हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। रिसेंटली दोस्तों .os कस्टम रोम का जो है अपडेट आया था, जहां पे आपको ऑलमोस्ट एंड्रॉयड पी की तरह सारी चीज़ें दिखाई देती है। तो हाल फिलहाल में इसका अपडेट आया है 2.3.1। तो देख लेते हैं इसमें क्या चेंजेस है। तो ये काफ़ी बढ़िया कस्टम रोम है, तो आप यहां देख सकते हैं आपको इसका जो इंटरफेस है सारा एंड्रॉयड पी की तरह दिखाई देता है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको और भी अपडेट आया है। अगर आप .os यूज़ करते हैं तो आप जो है सिस्टम अपडेट चेक कर लें। यहाँ पे आपको 2.3.1 ऑफिशियली अपडेट आया है आज ही के दिन। तो चलिए देख लेते हैं इसको अपडेट करने के बाद इसमें क्या चेंजेस मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे सिस्टम अपडेट कर लिया है 2.3.1 .os ऑफिशियल कस्टम रोम से। तो सबसे पहले जाते हैं सेटिंग्स में और देख लेते हैं इसमें हमें जो है क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है उसी तरह से एंड्रॉयड पी का इंटरफेस देखने को मिलता है। एडिशनल आपको यहाँ पे जो है बटन्स के लिए आपको एक ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, जहाँ पे आप जो है आपके अलार्म और आपके जो स्लाइडर वगैरह यहाँ पे उसकी जो पोजीशन चेंज कर सकते हैं। सिस्टम में चलते हैं यहाँ पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, ये आज ही अपडेट आया है 17 जून को। तो आपने अभी तक अपडेट नहीं किया तो आपके सिस्टम में आप जाके देख सकते हैं। अब देख लेते हैं अबाउट में, तो यहाँ आप देख सकते हैं लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ में 2.3.1 ऑफिशियल .os आपको मिलता है। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, जो बग थे आपके गैलरी वगैरह या कैमरे के यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए गए इसमें। और आपको यहाँ पे माइनर चेंजेस देखने को मिलता है डेटा आइकॉन में, स्टेटस बार में। यहाँ पे आपको बिल्कुल एंड्रॉयड पी की तरह यहाँ पे अपडेट आया है इस आइकॉन में। तो बस इतनी सी इसमें अपडेट आई है। और आपको यहाँ पर जो है .os का जो है स्टेटस आइकॉन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको पहले ये नहीं था इस बिल्ड में, यहाँ पे ये ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप जो है आपके डिवाइस का यूनिक आईडी और आपका जो है रोम वर्जन है और जो बाकी इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो बस यही छोटी सी अपडेट थी .os की, जहाँ पे आप जो है 2.3.1 से जो अपडेट कर सकते हैं। अभी तक आपने अपडेट नहीं किया है तो काफ़ी अच्छी रोम है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका डिवाइस अगर अवेलेबल है तो आप जो है इसको अपडेट कर ले, जहाँ पर आपको प्योर एंड्रॉयड पी का जो है एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो बस यही थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो आप इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।